ओके जी, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 और उसमें हम कर रहे थे आपके टाइप्स ऑफ कस्टमर्स या बैंक के कस्टमर्स की जो काइंड्स हैं वो पढ़ रहे थे, और हमने पढ़ ली हुई थी जी आपकी इंडिविजुअल कस्टमर। इंडिविजुअल कस्टमर्स में भी हमने आपके पढ़ लिए थे प्रदर्शनशील औरत थी या प्रदर्शनशील वुमेन, एक उसको पता नहीं क्या हो जाता है, व्हाई शुड आई टेक हेल्प। और उसके बाद हमने पढ़ा था आपका माइनर कस्टमर, मैरिड वुमेन और ज्वाइंट कस्टमर। आज जो हमने पढ़ने हैं वो हैं जी आपके ट्रस्टी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जब एज ए कस्टमर होते हैं तो क्या क्या उनकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब ये होले शो। ओके जी, आज जो हमने पढ़ना है वो है ट्रस्टी। ट्रस्टी जितनी देर ये ओपन नहीं होता हो गया। ट्रस्टी कौन होता है जी, मैंने पहले भी कहा था, एक ट्रस्टी एक ऐसा शख्स होता है कि इन केस ऑफ एब्सेंस या किसी के मौत की सूरत में अगर उसकी औलाद का या उसके मतलब मालो दौलत का, कोई कोई आदमी उसकी डेथ हो गई है, उसके बच्चे भी माइनर हैं, उनकी उम्र बहुत छोटी है, तो अदालत या वो शख्स खुद उन्हें एज ए ट्रस्टी नॉमिनेट करके गया होगा। तो ट्रस्टी वो शख्स होता है जो किसी की प्रॉपर्टी की या किसी की और चीजों की मतलब केयर टेक करता है या लुक आफ्टर करता है उसकी चीजों को आफ्टर हिज डेथ या उसकी गैर मौजूदगी में। दो सिनेरियोस, या तो वो उसकी डेथ हो गई हो तो उसको लुक आफ्टर करे, या फिर वो यहाँ पे मौजूद नहीं है और वो अपनी जगह पे या अपने बिहाफ पे किसी और को ट्रस्टी बना के चला गया है कि मेरे जितनी देर मैं मौजूद नहीं हूँ मेरी जगह पे मेरी सारी प्रॉपर्टीज की सारी चीजों की केयर ये करेगा। उस शख्स का अगर अकाउंट ओपन होता है एज ए ट्रस्टी ही, मतलब मैं इंडिविजुअल हूँ, अगर मुझे कोई अपना ट्रस्टी बना के गया और मैं बैंक में एज ए ट्रस्टी अकाउंट ओपन करा रही हूँ, अब मैं जो वो पैसे दे के गया है वो उसके अकाउंट के बजाय मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लूँ ताकि डीलिंग कर सकूँ, तो उस सूरत में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। उसने कहा जी ट्रस्टी हैज टू साइन ऑन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, और जो स्पेसिमेन कार्ड मिलना है उसके ऊपर भी उसने अपने सिग्नेचर ही करने हैं। ही नीड्स टू प्रोवाइड अटेस्टेड कॉपी ऑफ ट्रस्ट डीड, वो जो दोनों के दरमियान में एक अग्रीमेंट हुआ है इन उसको ट्रस्ट का मुआहिदा कहते हैं या एतबारी मुआहिदा कहते हैं, कि जी दोनों के दरमियान में वो जो ट्रस्ट डीड डिक्लेयर हुआ है जिसमें दोनों ने एक दूसरे के राइट्स एंड पावर्स को यूज करने का लिखा हुआ है उसकी भी एक अटेस्टेड कॉपी किसको देनी है, उसने बैंक को। थर्ड पॉइंट है जी, इफ ट्रस्टी डाइज बैंक विल ऑपरेट अकाउंट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल। अब मैं थी, मेरा बिजनेस था, मैंने किसी और को ट्रस्टी बना दिया, मतलब 6 महीने साल के लिए मैं अब्रॉड जा रही थी और मैंने किसी और को ट्रस्टी बना दिया, अगर उस 6 महीने या साल के दरमियान दरमियान उस ट्रस्टी का इंतकाल हो जाता है तो बैंक को अकॉर्डिंग टू द ट्रस्ट डीड पता है जी कि इन चीजों का असल मालिक या प्रिंसिपल कौन है, तो बैंक अकाउंट क्लोज करने की बजाय उसके प्रिंसिपल या उस मलकियत या उस अकाउंट का जो मालिक है सर उसकी ऑपरेशन मतलब या उसकी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली ही ऑपरेट करता है। फोर्थ वन है, ही हैज नो राइट टू यूज द फंड्स फॉर पर्सनल यूज। ट्रस्टी का काम सिर्फ ये है जी कि वो जो बिजनेस जो काम जो बिल्डिंग उसे दे के गया है उसकी हिफाजत करना और जो पैसे उसने रखवाए हैं उनकी भी लुक आफ्टर करना, वो उन पैसों को अपने पर्सनल यूजेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिफ्थ पॉइंट है जी, इफ देयर आर मोर देन वन ट्रस्टी देन यू हैव टू इन्फॉर्म द बैंक की, अगर तो ट्रस्ट डीड में जिस तरह हाँ ट्रस्ट डीड की बजाय हम अगर पार्टनरशिप की भी एग्जांपल लें, किसी का जी अगर पार्टनरशिप बिजनेस है और आपका कोई ऑथराइज पार्टनर था, मतलब हम उसमें भी कहते हैं जी 20 लोगों में से कोई एक या दो बैंक के साथ डील करेंगे, तो उस सूरत में वो दो लोग भी ट्रस्टी का काम ही कर रहे होते हैं। तो कहते हैं जी अगर दो यानी एक से ज्यादा ट्रस्टी है आपका तो बैंक को आपने बताना है जी कि कौन सा ऐसा शख्स है कि जो ऑपरेट करेगा अकाउंट को, ठीक है, और अगर उन दोनों के साइन होने हैं या वो जितने भी हैं वो सारे के सारे एज ए ट्रस्टी काम करेंगे तो उन सब के साइन भी आप एप्लीकेशन फॉर्म पे करवाएंगे। उसके बाद है जी आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट ओपन करवाएंगी उनका क्या क्या सिनेरियो है या क्या क्या उनकी करेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट वन है जी आपकी सोल ट्रेडरशिप या वाहिद मलकियती कारोबार।
हमने पहले दिन से पढ़ा हुआ था कॉमर्स में भी कि आपका जो सोल ट्रेडरशिप होता है वो और आपका बिजनेस दे आर द सेम पर्सन, यानी दोनों को एक ही कंसिडर किया जाता है। तो कहता है जी बैंक भी उसके साथ वही मतलब सलूक करता है, जो आपके लॉस करते हैं वो उस अकाउंट को उसी सोल ट्रेडर के नाम पे ओपन करता है, कभी भी बिजनेस के नाम पे वो अकाउंट ओपन नहीं होगा। उसने लिखा हुआ जी इन केस ऑफ सोल ट्रेडरशिप द ओनली पर्सन इज द ओनर ऑफ बिजनेस सो ही कैन ओपन एन अकाउंट ऑन हिज ओन नेम, और उसको वो तमाम फैसिलिटीज दी जाएंगी जो कि एक इंडिविजुअल कस्टमर को मिलती थी, यानी उसको लोन भी मिल सकता है, उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा और बाकी सारी फैसिलिटीज भी उसको मिल सकती हैं। वो किसी भी टाइप का अकाउंट ओपन करवा सकता है, बल्कि वो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा या तो सेविंग अकाउंट ओपन कराएगा या फिक्स डिपॉजिट में उसके पास रखवाने के लिए कुछ होगा नहीं, तो ये वाला शख्स जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसके लिए ज्यादा सूटेबल सेविंग अकाउंट ही है। उसके बाद आपको आ जाती है जी पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन ये थी जी कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके, यानी मैक्सिमम दो से लेके 20 तक लोग मिलके जब बिजनेस करते हैं तो उसको आपका पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं, और वो जो अदारा उनकी पार्टनरशिप से बना है उसको फर्म कहा जाता है। फर्म का अपना एक नाम होगा जी, जो पार्टनर्स के नामों से अलग होना चाहिए और उसकी कोई ना कोई कानूनी हैसियत अलग हो। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म ने अपना अकाउंट ओपन करवाना है तो क्या करेंगे जी? उसने कहा जी ऑल पार्टनर्स हैव टू साइन द फॉर्म एंड स्पेसिमेन कार्ड सिग्नेचर, जो आपने दिया हुआ था सिग्नेचर कार्ड, जितने भी पार्टनर्स हैं अगर दो हैं चार हैं, अगर अच्छा 20 पार्टनर्स हैं तो वो 20 के 20 उसने कहा साइन करेंगे उस एप्लीकेशन फॉर्म पे, ताकि पता चल जाएगी कि ये अग्री हैं हमारे साथ अकाउंट ओपन करने के लिए। सेकेंड वन है जो उनके दरम्यान जो पार्टनरशिप डीड हुआ था, पीछे ट्रस्ट डीड था, यहाँ वो कह रहा जी उन पार्टनर्स के दरम्यान में जो पार्टनरशिप डीड हुआ था उसकी एक कॉपी आपने बैंक को प्रोवाइड करनी है, ताकि बैंक को पता चल जाएगी उसमें कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड किए गए हैं। थर्ड वन है जी ऑल पार्टनर्स कैन ऑपरेट द अकाउंट, कहता है जी अगर आपने लॉ में या सॉरी लॉ कह रही हूँ पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है जी कि उस अकाउंट को सब पार्टनर्स मेंटेन कर सकते हैं, तो फिर आपके सब में से कोई एक भी उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। इन केस ऑफ लोन, यानी अगर आपने लोन लिया है आपकी फर्म ने या आपके इदारे ने, तो तमाम पार्टनर्स पे वो लाइबिलिटी जाती है, कोई एक पे वो लाइबल, यानी कोई एक बंदा अकेला लाइबल नहीं होगा, बैंक सबसे डिमांड करेगा जी कि आप सब मिलके इस लोन को रीपे करें। उसके बाद कहता है जी इफ ऑथराइज पर्सन बिकम इंसॉल्वेंट, हमने ये कहा ऊपर तो वो बोल रहा है ना कि जितने लोग हैं पार्टनर सब साइन करेंगे, सपोज हमने कहा जी 20 में से सिर्फ 2 लोग बैंक के साथ ऑपरेट करेंगे, वो 2 लोग ही फॉर्म साइन करेंगे, 2 लोग ही आपका स्पेसिमन कार्ड साइन करेंगे, उन्हीं 2 लोगों को इजाजत होगी जी कि वो लोन ले लें फॉर्म के नाम पे। अब वो कह रहा है जी हमने पार्टनरशिप के रूल्स एंड रेगुलेशंस में पढ़ा था कि अगर कोई शख्स इंसॉल्वेंट हो जाता है, यानी उसका दिवालिया निकल जाता है या वो बैंकरप्ट हो गया है, तो आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। यहाँ पर वो ये कह रहा है जी कि अगर कोई ऑथराइज पर्सन, यानी ऐसा शख्स जिसको आपने मतलब बैंक के साथ डील करने के लिए सेलेक्ट किया हुआ था, अगर वो शख्स इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बैंक क्या करता है जी फर्दर ऑर्डर आने तक उसकी पेमेंट्स को यानी रोक देता है या चेक्स की पेमेंट नहीं करता। उसके बाद वो कह रहा है जी अकाउंट कैन बी क्लोज विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, तमाम हिस्सेदारों की, किसी एक की मर्जी से नहीं बंद होगा, अगर सब ने डिसाइड किया है जी कि हम अकाउंट क्लोज करा देते हैं तो बैंक आपका अकाउंट क्लोज कर देगा। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट है जी इफ पार्टनर्स हैव कैंसल्ड द पावर्स, जी अगर आपने जो ऑथराइज पर्सन यानी जो सिलेक्टेड पर्सन था बैंक के साथ डील करने के लिए, अगर आपने उससे वो राइट वापस ले लिया है और बैंक को इन्फॉर्म कर दिया है, तो उसके साइन किए हुए सिग्नेचर मतलब जो चेक्स है सिग्नेचर किए हुए वो चेक्स भी बैंक अप्रूव नहीं करेगा, ना तो उनकी पेमेंट्स रिसीव करेगा ना ही उनकी पेमेंट्स देगा। उसके बाद 8th पॉइंट है जी इफ एनीवन इज रिटायर्ड द अदर पार्टनर्स हैव टू बियर द बर्डन ऑफ हिम, कहता है जी अगर तो आपका जो ऑथराइज पर्सन था उसने लोन लिया था या कोई भी पार्टनर था उसने लोन लिया हुआ था और वो रिटायर हो गया है, तो जो और बैंक को भी इस चीज का पता नहीं, तो बाकी के तमाम पार्टनर्स क्या करेंगे जी, उसका
लिया हुआ लोन या उसके जो भी बर्डन्स हैं वो सारे के सारे बाकी के पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेंगे। नाइन्थ पॉइंट है जी, इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर इफ ऑल अदर पार्टनर्स वांट टू कंटिन्यू द बैंक विल नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन। अगर आपके 20 पार्टनर थे उनमें से कोई एक की डेथ हो गई है और आप लोगों को ये लगता है जी कि हमें पार्टनरशिप तो खत्म कर देनी चाहिए लेकिन अकाउंट क्लोज नहीं करना चाहिए, और आपने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया है जी कि हम कंटिन्यू करना चाहते हैं इस अकाउंट को, इस पार्टनरशिप को, तो बैंक कहता है जी मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आपका अकाउंट क्लोज नहीं करूंगा। नेक्स्ट है जी आपकी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कि जब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अकाउंट ओपन करती हैं तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की। अभी हमने कल ही पढ़ी है जी आपकी अकाउंटिंग में करेक्टरिस्टिक्स, कि ऐसी कंपनी जिसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी होती है और उसके बदले में आपको डिविडेंड या प्रॉफिट मिलता रहता है। उससे कहा जी आपकी जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज हैं दे कैन ओपन करंट अकाउंट ओनली, यानी क्योंकि उनका लार्जर नंबर ऑफ या लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस होता है तो उसके लिए उससे कहा जी वो सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उन्हें कोई भी और अकाउंट ओपन करने की इजाजत नहीं है। उसके बाद वो कहता है जी द कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन इज गिवन टू द बैंक फॉर ऑथोराइज डायरेक्टर्स टू डील, कहता है जी आपको उस इजलास की या उस मीटिंग की एक कॉपी देनी पड़ेगी या उस करारदाद की। रेजोल्यूशन को उर्दू में हमने कहा था जी करारदाद पास होती है आपकी हर मीटिंग में, तो उसने कहा जी आपको वो वाली करारदाद की फोटो कॉपी देनी है जिसमें आपने ये डिसाइड किया है कि कौन से ऐसे डायरेक्टर्स या नाजमीन होंगे जो बैंक के साथ डील करेंगे। हमने ये भी कहा था इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपके नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं 7 और आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सूरत में आपके नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं 2। तो अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वो 7 डायरेक्टर्स के नाम जिस रेजोल्यूशन में आपने पास किए हैं आपने वो बता देना है।